यार ये बंदा डर गया, ये बंदा पूरी तरह से डर गया, ये आई थिंक इनका फोन। अब भाई जान दिखे दिखे लग रहे हो, हवाले से एक गजल आप किस नज़र काट दो। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा। अब सीधा कम Hey everyone, you're check your boy Mr. Ghaffar Khan once again. Welcome back to your YouTube channel. मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज का दिन ये रहेगा कि मुझे अपने बॉस से मिलना है, मनोज सर से मिलना है। दो तीन महीने से हमारा कॉन्टैक्ट इन द सेंस, मैं आपको पता है कश्मीर गया हुआ था, मेरे एग्ज़ाम थे बीएड के, सो एग्ज़ाम में बिजी था। सो आज मुझे लगा कि उनसे मिल लेना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ दिनों के बाद निकलना है और वो ना मुझे कुछ टास्क दे रहे हैं, थोड़ा सा टास्क दे लेंगे, मीन्स तीन चार दिन का या मान लो पाँच दिन का, वो कंप्लीट करने के बाद मुझे निकलना ही निकलना है। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, आपसे प्रॉमिस किया, अगले हफ्ते एनी हाउ मुझे यहाँ से निकलना ही निकलना है क्योंकि आगे ही मैं बहुत लेट हो गया हूँ। तो चलते हैं, आज मिलवाते हैं अपने बॉस से। आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बताइएगा कमेंट में। यही था मेरा ज्वाइनिंग स्कूल, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और इसके बाद मुझे यहाँ से प्रमोट करके दूसरे स्कूल इनका था, वहाँ पे प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल गया था वहाँ पे, और मैंने चार साल एज ए प्रिंसिपल काम किया और दो साल मैंने यहाँ पे काम किया। बहुत अच्छा लगा था मुझे मनोज सर के साथ काम करने वक्त, मतलब जो हमारे बॉस थे उनके साथ मैंने जो भी काम किया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो चीज़ें नहीं भी पता थी मतलब बहुत कुछ सिखाया, इन्जॉय किया। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ लेकिन वो लॉक लग रहे हैं उनके गेट पे, पता नहीं वो है अंदर या नहीं है, पर एनी हो मुझे नॉक करके उनसे मिलना है। सीधा कब मेरे भैया शफीक भाई हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं और शेयर करते रहते हैं, तो इनका मेडिकल हॉल मुझे अचानक से दिखा। और कैसे हो? सब बढ़िया। तो ये कब से यहाँ पे? यहाँ तीन चार मंथ हो गए। ओके, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अपनी डॉक्टर्स वगैरह भी बैठते हैं आपके साथ? सब यहीं बैठते हैं, डॉक्टर मुमताज साहब एचसीएमओ जो है, जो रिटायर हो गए थे 2019 में, तो वो वहीं बैठे हैं, साथ में क्लिनिक है। अच्छा अच्छा, अगर कोई भी पेशेंट आए उसको चेकअप करवाना हो तो किसी टाइम भी आ सकता है? यहाँ भी आ सकते हैं, मेरा नंबर होता है बाहर। ओके, वो तो मैंने ले लिया आपका, ये मैं दिखा दूंगा उनको, देख लेना कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह जो आपको मैंने पहले दिखाया वो आप लोग देख लेना वहाँ से, और आप एनी टाइम यहाँ विजिट कर सकते हो। अच्छा लगा मुझे देख के। ये एक चीज़ मुझे बता दो, आप कौन से डॉक्टर, स्पेशलिटी क्या, मतलब क्या क्या चेकअप के लिए अगर आना हो तो? एवरीथिंग के लिए यहाँ हो सकता है, डॉक्टर मुमताज साहब हैं यहाँ, एक्सएमओ रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, तो वो रहते हैं, सब देखते हैं यहाँ पेशेंट, और अगर यहाँ किसी की ज़रूरत हो तो फिर आगे रेफर वगैरह जो जैसे ऑपरेट के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी यहाँ होता है, तो अगर किसी को ऑपरेशन वगैरह करना हो, बच्चे को भी चेकअप करवाना हो, सब कुछ, कोई भी कर सकते। चलो अच्छा, कैसे हो? दिखे दिखे लग रहे हो, दिखे दिखे लग रहे हो, क्या दिखे दिखे लग रहे हो, कहीं देखा मैंने आप, दिखे दिखे लग रहे हो, दिखाऊंगा। यार ये बंदा डर गया, ये बंदा पूरी तरह से डर गया, ये आई थिंक इनका फोन। अब भाई जान आप डर गए यार। ये बंदा एक्चुअली है, इनकी एक फोटो स्टेट शॉप है मेंटर मार्केट में, तो वही बंदे से बातचीत करना चाह रहा था, बंदा डर गया यार, डर गया, इसको लगा पता नहीं कौन भूत आ गया, क्या आ गया, ये बंदा कैमरा पकड़ के, भूत नहीं आ गया,
कौन ये बंदा आगे पे मीडिया वाला या कौन है, मुझे मजा आ रहा है, बंदा बाकी जा रहा था। शाम के बज चुके हैं, लगभग 8 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बंदे को ड्रॉप करने गया था, तो मुझे अचानक मेरे फेवरेट मामू जिनसे मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहता हूँ, और मैं एक बार उनको मैंने बताया नहीं कभी, मैं आज बता रहा हूँ, कुछ उनके व्यूज़ भी लूँगा, अभी दिखेंगे नहीं। आप थोड़ा सा इसकी लाइट चला दो। एक्चुअली सीरियसली बताऊँ, हिम्मत नहीं पड़ती इनके पास बैठने की, नो दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी, तो मैंने इनको कभी बताया नहीं मैं ऑल इंडिया एक्सप्लोरिंग के लिए जा रहा हूँ। ऑल इंडिया पूरा एक्सप्लोर करना है, उसमें 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, मतलब आपको पता ही मेरे शौक जो होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ लाइफ में और हट के करना चाहता हूँ। तो आपका क्या मानना है, आपसे पूछना भी था मुझे और अचानक अभी मिल गया, अभी आ नहीं पर रहा था मैं आपके पास, ये हाफिज़ साहब ने बुला दिया। नहीं होना चाहिए हाफिज़, मेरी ये आपसे गुजारिश है कि हाफिज़ साहब को भी साथ ले जाए, इनको भी थोड़ी एक्सप्लोरेशन हो जाएगी, और दूसरा ये कि ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, तो माँ बाप के होते हुए अगर इंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे। बिल्कुल, मतलब आपका मानना है कि मुझे जाना चाहिए ऑल इंडिया एक्सप्लोरिंग के लिए ना। शौक है तो माँ बाप के पैसों से ही पूरी होती है। हाँ बिल्कुल, अपने पैसों से तो ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो सकती। उनको मैं बोल रहा हूँ पैसे शैसे नहीं चाहिए मुझे, मम्मा से बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, पहले मैं बोल रहा था कि मोटर ब्लॉगिंग करूँगा, वो नहीं बता रहे हैं, तो फिर मैं जा रहा हूँ ऐसे ही जा रहा हूँ, ही चेकिंग करूँगा लाइक अपने तरीके से ट्रैवल करूँगा, कोई घर के खर्चा नहीं लूँगा, कुछ नहीं करूँगा, अपने तरीके से सारा कुछ करूँगा, और वापस जब आऊँगा कुछ टारगेट दिया हुआ है खुद को, वो टारगेट अचीव करके आऊँगा। चलो मैं आपको इस हवाले से एक गज़ल आपकी नज़र कर दूँ। हाँ। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी मोहब्बत नई नई है, चलो चमन में टहल के आए, फिजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है, बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फिजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़के का दिल ज़्यादा, अभी मोहब्बत नई नई है। शुक्रिया, चलें थैंक यू सो मच, तो आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेंगी। बिल्कुल, एक बार कैमरे में हो जाए ब्लेसिंग्स आपकी हाथ के साथ, नहीं नहीं यहाँ पे अपना मेंटर मानता हूँ मैं, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी मौका नहीं मिला इनसे बात करने की, ना जो रिस्पेक्ट होती है ना बंदे की, जिसकी रिस्पेक्ट होती है उसके सामने बैठना भी वो बड़ा मुश्किल होता है, बट आई एम समवर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। हाफिज़ साहब को शुक्रिया कहना चाहूँगा इनकी वजह से आके मैं बैठ गया, आपके ब्लॉग में कहीं क्या कहते हैं उसको, उसमें हम भी कहीं नज़र आएंगे, तो मैं आपके आपके व्यूअर्स को कहूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, यही था आज का दिन, अपना ध्यान, अपने खास पड़ोस वालों का ध्यान, मेरा ध्यान, मैं मिलता हूँ कल इसी वक्त, तब तक के लिए बाय बाय।